नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है बुजुर्ग माता पिताओं के क्या कानूनी अधिकार हैं। अगर इस विषय पर या इसके अलावा किसी और विषय पर आप बेहतर जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपके हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हम तक जुड़िए और निशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप इस बारे में ले सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता के क्या हैं कानूनी अधिकार। और इसके अलावा अगर कोई और जानकारी भी आप हमसे चाहते हैं तो आप सीधे हमसे जुड़कर अपने सवाल हम तक रख कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे ले सकते हैं। इस विषय पर बेहतर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्री पंकज शर्मा जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। जब हम लोग बात करते हैं बुजुर्गों के अधिकार की तो प्रथम दृष्टया कानून क्या कहता है बुजुर्गों के या बुजुर्ग माता पिता के अधिकार के बारे में? आनंद जी, जैसा कि आज मैं इसका शुरुआत कानून से नहीं करना चाहूंगा, अपने समाज से, अपने मन से करना चाहूंगा कि हमारे समाज में और हमारे संस्कृति में माता पिता का जो स्थान है वो ईश्वर के बाद माता पिता को पूजा जाता है जी। और वो हमेशा ही रहे, जिनका सम्मान आदर सम्मान करना ना ये कानूनन रूप से नहीं, हमारे अंतरात्मा से होना चाहिए जी। और जहाँ तक हम अपने कानून की बात करें तो कानून में अगर हम शुरुआत करते हैं अपने संविधान से ही, जैसा कि आपने शुरुआत की चर्चा में ही कहा जी, तो संविधान की अनुच्छेद 21 में सीधा सीधा लिखा है राइट टू लाइफ, मतलब जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी जी, सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार, जिसमें किसी को माता पिता ने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं बच्चा भूल जाएगा। उसी के तहत हर कानून के अलग अलग कानून के अंतर्गत अलग अलग अधिकार प्रदान किए गए हैं माता पिताओं को, जैसे कि उनको अधिकार दिया गया है भरण पोषण का, अगर वो अपने आप को भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अपनी कमाई से असमर्थ हो पाते हैं तो अपने बच्चों से उसका अधिकार के रूप में उसको मांग सकते हैं जी। जैसे कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के 125 धारा में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई माता पिता अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है तो वो कानून के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, उनसे किसी भी चीज की मांग सकता है जी। दूसरा अधिकार आ जाता है कि एक अभी सीनियर सिटीजन एक्ट भी लागू किया गया है हमारे देश के अंदर सन 2007 में, जिसके तहत एक अनेक प्राधिकरण की वो संस्थापना की गई है जिसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन को दिया गया है राइट कि अगर उनका उनके बच्चे उनके ऊपर ध्यान नहीं रखते, उनका भरण पोषण नहीं करते, उनको किसी तरीके से हरास करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो वो उसमें जाके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और अपना कर सकते हैं। पंकज जी, ईमेल के द्वारा हमारे पास एक ये सवाल आया हमारे दर्शक का, उनका कहना ये है कि भाई कुछ वक्त पहले जब वो कमाते थे उनका बेटा उनके साथ रहता था, उस वक्त उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद कर अपने बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन आज की तारीख में वो कमाने में असमर्थ हैं और जो पूरी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे के नाम कर चुके हैं, खरीद कर, कोई विल नहीं की लेकिन उसी के नाम पूरी प्रॉपर्टी खरीदी गई, जब उसके नाम है वो ट्रांसफर कर दी गई प्रॉपर्टी, तो क्या अब वो अधिकृत हैं इस चीज़ के लिए कि अपने बेटे से कोई मेंटेनेंस ले सकें? अगर बेटा मेंटेनेंस नहीं देता तो प्रॉपर्टी वापस ले सकें उससे? बिल्कुल अधिकृत हैं, वो मेंटेनेंस ले सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया धारा 125 CRPC भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत माता पिता किसी भी समय कभी भी क्लेम कर सकते हैं जी। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है आनंद जी, इसमें सीधा सा बात है कि अगर उन्होंने खरीदा है तो प्रॉपर्टी जब भी हम रजिस्टर कराते हैं या कानूनी पेचीदगियों में जाते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम टू जनरेट दैट प्रॉपर्टी जी, कि किस सोर्स से आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी जी, तो जाहिर सी बात है अगर उस टाइम बच्चा पढ़ रहा था तो उसके पास तो अपना कोई इनकम था नहीं, तो किसी ने खरीदा होगा, उसके माता पिता ने ही खरीदा होगा, तो उसके माता पिता उस पर भी क्लेम इन सब नियमों को मद्देनजर रखते हुए क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी। जो मेंटेनेंस की सर आपने बात की, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई को कैसे कर सकता है बुजुर्ग, कोई दंपति है उसको या
हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे उनका भरण पोषण करें, वो खुद असमर्थ हैं ऐसी चीज़ में, तो मेंटेनेंस के अप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, एनजीओ के थ्रू जो सीनियर सिटीजन एक्ट उसमें है, उसमें साफ साफ प्रावधान दिया गया है कि जो माता पिता जिनका भरण पोषण उनके बच्चे नहीं करते, वो कोर्ट में जाके, उस प्राधिकरण में जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वो असमर्थ हैं तो बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारी सामाजिक सेवाएं हैं, जो समाज कार्यकर्ता हैं जो सेवा करती हैं, उनके थ्रू वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपना भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन सर इसमें दोनों चीज़ें आती हैं पंकज जी, से अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर माता पिता खुद का भरण पोषण करने में सक्षम हैं, उसके बावजूद भी वो मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, तो क्या तब भी वो अधिग्रहित हैं मेंटेनेंस? बिल्कुल अधिग्रहित है, बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल हैं अधिकृत हैं। अगर उनको लगता है किसी के रूप में उनको किसी प्रकार की कमी लग रही है, या उनको लगता है कि हम किसी भी स्थान पे, या जो इनकी इनकम है, जैसे पेंशनधारी लोग हैं और इतनी पेंशन होती है वो नहीं कर पाते जी, तो उस केस में भी वो बता सकते हैं कोर्ट को कि भाई हम इतना हमारे पास आता है, इसके उसमें हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें और मेंटेनेंस दिया जाए, हम अपने को आप मेंटेन कर सकें। जी ठीक है, सो हमारे दर्शक जौनपुर से फूल कुमार जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। हमारा कोई सुनवाई नहीं होता सर। आप बताइए आपकी अपनी परेशानी, आप बताइए क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है सर, चक्रोत चकबंदी भाई नियल ना हो, सब जोत ले, घर बना ले, हमको रास्ता आने जाने की नहीं है जी। इस बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट की है आपने क्या? इस बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट की है आपने? रास्ता घर पे आने जाने का, खेत में आने जाने का बंद हो गया है, इसके बाद उन्होंने एसडीएम तक शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसमें ये कोर्ट में मुकदमा दाखिल करें जी, सूट फॉर इंजंक्शन का है, पुलिस में शिकायत करें, अगर वो जबरन उसमें बना घर बनाया है या जो भी जबरन कब्जा किया तो पुलिस में शिकायत करें, नहीं तो कोर्ट में सिविल का रेमेडी है, आप कोर्ट में जाएं और अपनी दलील दें, उसमें कोर्ट करेगा जी। इस वक्त हमारे दर्शक मुंबई से विपिन जुड़ चुके हैं हम तक, विपिन अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर एक्चुअली मेरी परेशानी ये है कि मेरे और मेरे फादर के नाम पे लगभग 20 एकड़ जमीन है जी, तो मेरी शादी के बाद अभी मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, छोड़ के वो अपने मायके चली गई है जी, तो अभी वो ये कहती है कि वो जमीन में से हिस्सा लेगी जी, तो क्या ये उसका ये भी लीगल राइट है या? तो ये जो जमीन है विपिन, ये आपने खरीदी थी कि आपके पिताजी ने खरीदी थी ये जमीन? नहीं, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन है ये बात, ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगा पंकज जी इस बात की समस्या के लिए, इनकी पत्नी अलग अब रह रही हैं और जो पुश्तैनी जमीन है वो विपिन उनके पिताजी के नाम पर, उनकी पत्नी क्लेम कर रही है उस जमीन में हिस्सा। देखिए इसमें, इस केस में पुश्तैनी जमीन है, अगर बंटवारा हो गया है, पति के पास आ गई है जमीन, तो वो एज अ डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस में अपना अलग रहने का अधिकार के लिए क्लेम कर सकती है जी, अगर वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर सकती है तो नहीं कर सकती जी। लेकिन सर इंटेंशन डिफाइन कैसे होंगे इस वक्त? इंटेंशन देखिए, देयर इज अ नो सेट फार्मूला ऑफ इंटेंशन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, उनमें क्या डिस्प्यूट है, अब वो चीजें तो देखने के बाद शुरू से क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट्स कह देंगे ना कोर्ट के भाषा में जी, तो जब तक वो सब चीजें नहीं आएंगे तो इसको आप भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैं भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जुड़ने के लिए। और सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस की हम लोगों ने बात की थी, तो क्या कोई सेट फार्मूला है कि माता पिता सिर्फ इतना ही पैसा अपने बच्चों से मांग सकते हैं, या फिर अगर माता पिता खुद भी कमा रहे हैं उसके बावजूद भी बच्चों से मांग सकते हैं, कैसे निर्धारित होता है उसका अमाउंट? नहीं अनंत जी, इसमें सीधा सा है, एक क्लियर फंडा है कि कोई ब्लैंकेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि इतना ही मेंटेनेंस दिया जाएगा, इतना नहीं दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है आपका, जब आप कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं तो जज के ऊपर, साथ ही आपका क्या सोशल स्टेटस है, आपकी क्या इनकम है, बच्चे की क्या इनकम है, वो किस हिसाब से रह रहा है, या उसके आगे पीछे कितने डिपेंडेंट हैं, क्या अगर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, वो उसको किस तरफ से मेंटेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अच्छा सर, और जब मेंटेनेंस डिसाइड होता है तो उसमें ये चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए क्या सीधा में कोर्ट में अप्रोच करना होता है, या फिर अगर कोई बच्चा है जो कि खुद को असमर्थ बता रहा है
औलाद खुद का समर्थ बताती है कि भाई मैं देने लायक नहीं हूँ, तो अपना पक्ष कैसे रखे? देखिए आप, ये तो केस फाइल होता है, इसमें आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आपको भी जवाब देने का मौका देगा और आपकी भी सुनेगा, उनकी भी सुनेगा, वो फिर उसके बाद डिसाइड करेगा। ये ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी के राइट सर कैसे डिफाइन किए गए हैं? देखिए प्रॉपर्टी के राइट में हमारे एक हिंदू लॉ में फार्मूला है कि जब भी कोई पर्सन विदाउट विल के उसकी डेथ हो जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल हायर्स में जी उनमें डिवाइड होती है इक्वल। अब वो लीगल हायर्स की कैटेगरी फिर बाद में डिवाइड कर दी गई है कि क्लास वन में कौन आएगा, क्लास टू में कौन आएगा, क्लास थ्री में कौन आएगा जी। तो क्लास वन में मदर के पास पूरा इक्वल राइट है, जैसे उसके बच्चे के पास होगा और उसकी वाइफ के पास होगा जी। मान लीजिए एक एक बच्चे कोई आदमी बिना विल के या बिना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के उसका डेथ हो जाता है तो उसकी वाइफ है और एक बेटा है और एक मदर है, तो तीनों में 1/3 डिवाइड हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट में कोई नहीं है, क्लास वन लीगल हायर में कोई नहीं है, तो क्लास टू लीगल हायर में जाएगा जिसमें फादर का हिस्सा था, फादर को क्लास टू में रखा गया है, मदर को क्लास वन में रखा गया है जी। ठीक है, इस वक्त देवेश शाहजहांपुर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। देवेश अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी एक लड़की थी पूजा नाम की, उसके बत्ती लग गई थी सन 2013 में जी। तो मैं हाँ मुकदमा। देवेश आपकी आवाज हम तक साफ दरअसल पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल किया जाएगा और बेहतर सहायता इस मामले में आपकी की जाएगी, आपकी बेहतर चीजों के लिए। सर और क्या क्या चीजें हैं जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की जो बात अगर होती है तो उसमें क्या क्या चीजें डिफाइन की गई है? देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट एक बहुत वाइड स्कोप है, इसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं बाकी और भी बुजुर्ग लोग जो हैं उनको को भी कवर अप किया गया है जी। माता पिता के लिए तो ये उसमें तो इस साफ साफ लिखा गया है कि ये बच्चे का लाइबिलिटी है, एक तरह से उसका कर्तव्य है या एक लाइबिलिटी कहें कि अपने माता पिता को मेंटेन करना है, उनको हर चीज़ मुहैया करानी है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो उनका रहने का है, चाहे फूड है या चाहे शेल्टर है जी। जो कि हमारा संविधान भी कहता है राइट टू लाइफ के अंदर, राइट टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी माने सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना जी, जिसमें मेडिसिन फूड शेल्टर सब कुछ आ जाता है। ठीक है सर, अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं ऐसी चीज़ में, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बच्चा है जो कि नहीं चाहता कि उसके माँ बाप उसके साथ रहें, कोई मेंटेनेंस दें, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, उनका रखरखाव करना पड़ता है, ऐसे में माँ बाप की या उन बुजुर्ग दंपत्ति की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है, तो सिक्योरिटी उनकी रहेगी, घर में वो सुरक्षित रहेंगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए ये तो आपके ऊपर है कि और ये इसमें अगर उनको लगता है वो असुरक्षित है उस घर में, तो एक आपको डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक्ट है जिसमें सिर्फ वे पत्नियों के लिए नहीं है, बूढ़े माता पिता के लिए भी है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस माने घर के अंदर किसी भी महिला के साथ, वो माँ हो, बहन हो, भाई बहन हो या पत्नी हो, अगर बूढ़े माता पिता को लगता है तो वो उसमें भी जाके अपने अलग रहने के लिए, और सीनियर सिटीजन एक्ट में भी प्रोविजन है कि उनको अलग रहने का अधिकार है, वो उसमें कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल करके मांग सकते हैं जी, और अपनी सिक्योरिटी के लिए और भी उनको कुछ चाहिए तो वो कोर्ट से दरखास्त कर सकते हैं जी। ठीक है सर, एक जो केस हम लोग के सामने पंकज जी आया था वो ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने अपनी जो संपत्ति थी वो वसीयत के तहत अपने बच्चों के नाम कर दी थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लेकिन वो बच्चे अपनी उनकी जो धर्मपत्नी थी या उनकी जो माँ थी उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो महिला फिर क्या करे? महिला के पास मैं शुरू में बताया कि धारा 125 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता में प्रोविजन है मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस है अगर उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है, हाँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था किसी भी महिला के साथ, चाहे वो बुजुर्ग माता हो, पत्नी हो या बहन हो, उनके साथ कोई अत्याचार घर में हो रहा है, वो कोर्ट में जाके दरखास्त कर सकती है, अपने अलग रहने के लिए मांग कर सकती है और मेंटेनेंस के लिए। तो सर वो सर मेंटेनेंस के लिए ही लायबल होंगी या फिर ये भी संभव है कि जो विल जो उनके नाम की गई है, बच्चों के नाम की गई है, उसमें से भी कुछ शेयर वो ले सके? नहीं, उसमें जो विल अगर उनके पिता करके गए हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के डिवाइड किया होगा, और क्या पता उनको भी दिया हो कुछ जी, वो तो विल के अकॉर्डिंगली चलेगा। हाँ, वो विल चैलेंज कर सकती हैं कि ये विल गलत है या इन बच्चों ने जबरदस्ती करके अपने पिताजी को अंधेरे में रख के बनवा ली और उस विल से मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो उस केस का क्लेम कर सकती है फिर लड़ाई। ठीक है, कानपुर से नवीन हमारे दर्शक, नवीन अपनी बात आप रखें। हेलो जी नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अपनी बात आप रखें नवीन, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि, हेलो जी नवीन, हाँ
मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका होता है? जी हेलो, आप पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं जो, या फिर जो आपके पिताजी ने खुद कमाया है उस संपत्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, जो पिताजी ने खुद कमाया है उसकी बात कर रहा हूँ। जी तो उसमें तो उनकी जो सर पंकज जी आपके पास में आता हूँ इसके जवाब के लिए, उसमें पिताजी की संपत्ति जो उन्होंने खुद कमाई है उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होता, वो जिसको चाहें जब चाहें जब दे सकते हैं जी, चाहे विल से दे दें या रजिस्ट्री कर दें, उसमें पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं होता। पैतृक संपत्ति होती है तो उसमें आपका पूरा अधिकार था जितना आपके पिता का अधिकार। जी सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर इंसाइट्स इस बारे में देने के लिए, क्योंकि आज की जो सामाजिक चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुजुर्गों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और सतत रूप से सही समय पर न्याय दिलाया जाए। अगर इस मामले में आपके सामने कोई भी कभी भी कैसी भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।